उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को लेकर भारत में एक कहावत मशहूर है, बनारस की सुबह अवध की शाम। अवध यानी लखनऊ, और लखनऊ एक ऐसा शहर है जो अपनी तमीज, तहजीब और नफासत पसंदगी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की इमारतों का शानदार इतिहास है। देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भारत के सबसे ज्यादा मशहूर शहरों में से एक है। कभी नवाबों के शहर के रूप में इसकी पहचान रही है। अवध के नवाबों ने बड़े नाज से इस शहर को आबाद किया है। उनके हर शौक की निशानियां यहाँ मौजूद हैं। बड़ा इमामबाड़े में छिपी नवाब आशफुद्दौला की वह कहानी, जब अकाल में लोगों को मदद के लिए उसे बनवाने में जुट गए। लखनऊ में हर मोड़ पर उस जमाने की इमारतें रास्ता रोके खड़ी हैं। छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, छतर मंजिल, रेजिडेंसी, बारादरी, दिलकुशा, शाह नजफ इमामबाड़ा, ऐसी कई ऐतिहासिक इमारतें यहाँ मौजूद हैं। लेकिन अवध की इस सरजमीन पर औलियाओं का भी अपना एक मुकाम रहा है, और आज भी उनके फैज से सारा लखनऊ रोशन हो रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको लखनऊ की सरजमीन पर मौजूद अल्लाह के पांच वलियों के बारे में बताऊंगा और उनके आस्थाने की जियारत करवाऊंगा। तो आइए जानते हैं लखनऊ की उन पांच असीम हस्तियों के बारे में। शाहपीर मोहम्मद मच्छी भवन लखनऊ। हजरत शाहपीर मोहम्मद का आस्थाना मुबारक लखनऊ के मच्छी भवन पक्का पुल टीले वाली मस्जिद के बगल में मौजूद है। आपके आस्थाने के बगल में ही टीले वाली मस्जिद मौजूद है, जो कि बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। आपका आस्थाना लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर वाके है। आपको बता दें कि लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप एक ही जगह पर मौजूद हैं। आपके आस्थाना मुबारक के करीब ही लखनऊ के दो मशहूर इमारतें छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा कुछ ही दूरी पर वाके हैं। हजरत शाह पीर मोहम्मद की पैदाइश मुबारक 1027 हिजरी मुताबिक 1619 ईस्वी को हुई। आपने शादी नहीं की और सारी जिंदगी दीन की तबलीग में गुजार दी। आपके आस्थाने से हजरत शामीना शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्थाना मुबारक तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हजरत शाहपीर मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक 13 जमादुस्सानी को मनाया जाता है। दादा मियां दरगाह मॉल एवेन्यू लखनऊ। दादा मियां की दरगाह लखनऊ के मॉल एवेन्यू के दादा मियां रोड के कब्रिस्तान में वाके है। आपका आस्थाना मुबारक लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। आपका असल और मुकम्मल नाम बहुत कम ही लोग जानते हैं। आपका असल नाम हजरत ख्वाजा मोहम्मद नबी रजा शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आपकी पैदाइश से मुबारक 1284 हिजरी मुताबिक 1067 ईस्वी को हुई। आपको लखनऊ में दादा मियां के नाम से जाना जाता है। आपके आस्थाने पर आज भी फैज का दरिया जारी वसारी है। हजरत नबी रजा शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक 21 से 25 रबीउल अव्वल तक मनाया जाता है, जिसमें आपसे अकीदत रखने वाले तमाम जायरीन शिरकत करके फैज हासिल करते हैं। शामीना शाह चौक लखनऊ। हजरत शामीना शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्थाना मुबारक उत्तर प्रदेश की राजधानी के मेडिकल कॉलेज के चौक इलाके में मौजूद है। आपका आस्थाना मुबारक चारबाग रेलवे स्टेशन से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर वाके है। आपकी पैदाइश से मुबारक 800 हिजरी मुताबिक 1397 ईस्वी को हुई। आपका मुकम्मल नाम हजरत सैयदना सरकार शेख मोहम्मद उर्फ मखदूम शामीना चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। एक मरतबे हजरत सैयद मखदूम कवामुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि शेख कुतुबुद्दीन के घर में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो हमारे खानदान की मशाल होगा और उससे हमारा नाम रोशन होगा। चुनांचे जिस वक्त हजरत सैयदना मखदूम शामीना रहमतुल्लाहि ताला अलैह पैदा हुए, आपकी पैदाइश की खबर हजरत मखदूम कवामुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को पहुंची तो आपने फरमाया, हाँ आओ मोरे मीना। इस बिना पर आपका उर्फ शेख मीना हुआ। हजरत शामीना शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक 23 सफर को मनाया जाता है, जिसमें अहले लखनऊ और हिंद के तमाम गोशों से जायरीन आकर आपके उर्स में शिरकत करते हैं। खम्मन पीर बाबा चारबाग लखनऊ। हजरत खम्मन पीर बाबा का आस्थाना मुबारक लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर वाके है। आपका मुकम्मल नाम
हजरत सैयद मोहम्मद कियामुद्दीन उर्फ खम्मन पीर बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी पैदाइश के सबब किसी पुख्ता तारीख का इम्कान न हो सका, लेकिन कहा जाता है कि आपका आस्ताना 950 साल कदीम है। आपके इस आस्ताने पर हर तकलीफ याफ्ता इंसान की मुराद पूरी होती है और हर मजहब के लोग इस आस्ताने पर हाजिरी देते हैं। हजरत खम्मन पीर बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्ताना मुबारक चार बाग के रेलवे स्टेशन पटरियों के बीच वाके है। कहा जाता है कि जब यह स्टेशन बनाया जा रहा था तब अंग्रेज जनरल इस पटरी को बिछाते और वो पटरियां रात को उखड़ जाया करती थी। इसे जानने के लिए अंग्रेज जनरल एक रात उन पटरियों के बीच बैठ गया। उसने देखा कि पटरियां अपने आप उखड़ रही हैं। उसके बाद उस अंग्रेज जनरल ने उस जगह को छोड़कर दूसरी जगहों पर पटरियां कायम कर दी। हजरत कासिम शहीद सदर बाजार लखनऊ। हजरत कासिम शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्ताना मुबारक लखनऊ के सदर बाजार दिलकुशा गार्डन के करीब वाके है। आपका आस्ताना मुबारक लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर वाके है। आप 400 हिजरी के दौरान लखनऊ में तशरीफ लाए। आपका मुकम्मल नाम हजरत सैयद कासिम शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आपको शहादत का मकाम हासिल हुआ। आप सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की फौज के सिपह सालार थे। आपको लखनऊ की फौज का कमांडर बनाया गया था। आपने लखनऊ की इसी मुकाम पर शहादत के जाम को नूस फरमाया था। आपके आस्ताने से कोई भी फरियाद रस इंसान वापस नहीं लौटता। हजरत कासिम शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताना मुबारक पर एक खास दुआ की जाती है, जिसमें अगर कोई भी इंसान 40 दिन तक शिरकत करता है तो उसकी कोई भी जायज दुआ जरूर कबूल होती है। ये दुआ शाम को मगरिब की नमाज के बाद की जाती है, जिसमें शिरकत से आपकी हर जायज दुआ इंशाल्लाह कबूल होती है। हजरत कासिम शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक 13 सफर को मनाया जाता है, जिसमें आपसे अकीदा रखने वाले तमाम जायरीन आपके उर्स में शिरकत करके फैज हासिल करते हैं। दोस्तों, आपको लखनऊ की टॉप 5 दरगाह कैसी लगी हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक जरूर कर दें।